हम और आप सबने जो मोकाजी महाराज की जन्मभूमि है, मोकाजी महाराज की जन्मस्थली और जन्मस्थली के साथ साथ उनकी वो जो अंतर ध्यान हुए, वो समाधि मूर्ति मोकाजी महाराज का स्थान, ये सब इसी जगह, यही है जन्मभूमि। वैसे सर, ये जो श्रवण है, खड़े हो श्रवण, जहां भगवान के स्वरूप मोकाजी महाराज प्रकट हो जाएं, तो उनके साथ साथ भगत भी प्रकट हो जाते हैं, उनके भगत भी प्रकट हो जाते हैं, चाहे वो हजारों वर्ष बाद में प्रकट हों, पर भगत भी भगवान के साथ ही रहते हैं और साथ ही आते हैं। आज मैं बलराम को बताना चाहता हूं, बलराम जो आप सामने ये भगवान का मंदिर देख रहे हैं, इसमें मोकाजी महाराज ये ढाणी है, ये सब भक्त जानते हैं, पंच पटेल जानते हैं, यही घर है, यही 5 कदम अटे 50 मीटर हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ घर था कांवरों का, और उसमें एक हमारी जो इनकी जो दादी पड़दादी और हमारी नानी मेरी, मैं भी इसी एरिया में जन्म लिया, मेरा भी जन्म इसी एरिया में हुआ है। तो बलराम उस हमारी नानी पड़नानी पता नहीं कौन सी, इस शरीर के जो शरीर यहाँ मामा नानाओं के यहाँ जो भूमि पर पैदा हुआ है, और यहाँ मैंने यहाँ की मिट्टी खाई है, और वो जननी जननी ये जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी अधिक महत्व रखती हैं। तो यही मेरी जननी, यही मेरी, यही की मेरी जननी और यही की मेरी जन्मभूमि है। तो इस घर में एक सर्प और एक बालक, एक बच्चा एक साथ हुए थे 800 वर्ष पहले। क्यों भाई? हाँ, 1200 यानी देव नारायण भगवान के अवतार के बाद में या लगभग उनके समय में मोकाजी महाराज का जन्म यही एक 50 कदम के यहां से दूर है जो जन्म हुआ, और है जो उनकी जलवा हुई, जलवा जल पूजने के लिए जब हमारी नानी पड़नानी और है जो इन कांवरों की दादी पड़दादी सरदादी न जाने हजारों साल पहले पूजने गई, तो वहां जब जलवा पूजने के लिए जाती हैं माताएं, तो पीछे से बड़े आदमी को छोड़ के जाती हैं, ये नियम है। तो बड़ा जो दादा रहे या नाना रहे, उन्होंने अपने बच्चे को, अपने परिवार के उस बच्चे को, नवजात शिशु का मुंह देखने के लिए उसका पोतड़ा जो उघाड़ दिया, उस पोतड़े को उघाड़ते ही उसने क्या देखा कि उनके मोकाजी महाराज के गाल पर सर्प, ऐसे गाल पर लगा करके सो रहा था सर्प, और दोनों भाई शेष नाग और भगवान दोनों आपस में मिलकर के सो रहे थे। ये कथा कम नहीं है, परंतु भगवान जब प्रकट होते हैं तो पता नहीं किस घर में, किस जाति में और किस आपके यदुवंश को पवित्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने है जो मथुरा में जन्म लिया और जेल में जन्म लिया, और संसार ने है जो आज संसार ने उनको पूजा, और इस काम इस धरती पर कांवर वंश को, गुजर वंश को पवित्र करने के लिए है जो मोकाजी महाराज ने यहां जन्म लिया। जब देखा तो वो बड़ा आदमी थे, वो जो भी उन्होंने बोले सांप खा जा तो मेरा तो छोरा नहीं,
हुक्का पीने वाले थे, नाव हुक्का की नै काटी और उस ना, न, है जो हुक्का की नै से उसको परे करके अपनी जूती से या किसी भी से मार दिया और दबना के नीचे दाब दिया। तो बलराम और जो नहीं सुनने सुन रहे हैं वो भी ये बात सुन ले कि जैसे ही उस सर्प को मारा वैसे ही माता के पेट में दर्द हुआ और वो वहां से पेट पकड़ करके आई और बोला मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे छोरो कट से मेरे छोरो कहाँ है, मेरे छोरो कटे गए हो, ऐसे पागल हो गई। और जब घर में आई तो उसने कहा कि ये सांप खादा, तो बोले आपने मार तो नहीं दिया, बोले मैं तो मार दियो, तो बोले आपने अपने बच्चे को भी मार दिया, दोनों खत्म हो गए। आज सर्प सर्प तो मृत्यु सर्प की मृत्यु होते ही एक जीव दो दे एक प्राण, दो शरीर ही थे एक सर्प का और एक आदमी का, परंतु प्राण उनके एक ही थे। वही मोकाजी महाराज यहाँ 1100 वर्ष पहले यहाँ पर उनका संस्कार किया गया और आज मोकाजी के प्रताप से है जो ये इतना बड़ा मेला भर रहा है। इसमें मैं एक साक्षी हूँ एक बात का, सारी जनता सुनती है, मैं हमेशा बताता हूँ और आज श्रवण को भी बताना चाहता हूँ कि ये मोकाजी महाराज यहाँ की जनश्रुति नहीं, पक्की बात है। जब कोई पहले मीणा लोग है जो चोरी करते थे, कोई मीणा बैल खोल ले जाता तो महाराज मोकाजी आकर के खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे सामने, है जो चोर को चोरी करने नहीं देते थे। और ऐसे करते करते जब ऐसा हुआ तो पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया होगा, तो उन्होंने गाय के कान का खून मोकाजी के ऊपर है जो चोरी से चढ़ा गई। उस दिन से है जो यहाँ छाया आना बंद हो गई, आवेश आना बंद हो गया भगत के अंदर, भोपों के अंदर जो भी सेवा करते थे उनके है जो आवेश आना बंद हो गया। तो एक दूसरी डाणी में या पास में किसी बच्चे में छाया आई कि मेरे ऊपर गाय के खून का है जो टपका डाल दिया है, इसलिए मेरी छाया महास्थान पर नहीं आ सकती, या तो तरबिनी से गाय ले आओ और या इस शरीर के लिए कहा मेरे भांजे से जाकर के गाय लाओ। इस बात का मैं साक्षी हूँ, तरबिनी तो नहीं गए। और इन पटेल थोड़ा पानी पी, इन पटेल पंचू ने राय करके बोले बाबा कालिदास के भेज दो बाण जाके यहाँ भेज दो। एक गयो, ओ बाबा जी वो तो गुआड़ी था ना, मगो खाए के बात छे खत तेरी गाय दे दे, मऊ तू खड़े से आए थे कद का ठसू कुन कुन भेजो छे, तूने बोले पटेलों का नाम नहीं मिला, बोले मऊ काजी महाराज भेजो छे। तू के बोल रहे थे यार, मैं खरीदी हो तूने, देखो कौन दे बता। तब इतनी देर में बाबा जी मुझे यार बाबा जी को ना इतनी देर में महाराज आ गए, अरे बोले भाई कहीं आए थे, बोले मौका जी गाय मंगाई थे, कहते मेरा बाण जाकर से गाय ले आओ। तो बोले भाई देख मैं गौशाला में जाऊं, तू एक मेरे श्यामा गाय थे उस श्यामा गाय से बात करूंगा। गया महाराज और बोले श्यामा, दो बार बोले, बोले मौका जी महाराज तूने बुला रहा थी, तो ऐसे मेरे देखने की बात है इन आंखों से, तो ऐसे जेवड़ा को साकड़ को तोड़ने के लिए तैयार हो गई। तो बोले डट, साकड़ खोली और जेवड़ो गुआल ने पकड़ायो, गुआल तो कतई रह गो, और वो श्यामा गाय यहाँ आई और रामेश्वर ब्राह्मण के घर में रही और रामेश्वर ब्राह्मण घाटा के घर में 21 दिन तक रही और 21 दिन तक मोकाजी महाराज के ऊपर है जो दूध की बरसात हुई, दूध चढ़ाया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, दिन दूना और रात चौगुना हो रहा है।